आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव करीब है और राजनीतिक दल लगभग हर वोट बैंक और हर वर्ग की बात कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का एक और बहुत ही अहम वर्ग है जिसे हम और आप युवा बोलते हैं, जिसमें हमारे और आपके घर के परिवार के काफी लोग भी आते हैं और उत्तर प्रदेश की एक बड़ी तादाद इस युवा कैटेगरी में आती है। ये युवा वो युवा है जो जिस तरफ चाहे उस तरफ सत्ता का रुख मोड़ सकता है, चाहे 2012 की बात करी जाए, 2007 की करी जाए, 2002 की करी जाए या 2017 की करी जाए। लगातार उत्तर प्रदेश में युवाओं ने अपना वर्चस्व दिखाया है और युवाओं की बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि युवाओं को लेकर के जो प्रमुख मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चा अगर नहीं हुई तो शायद उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव और उत्तर प्रदेश की जनता के साथ इंसाफ नहीं होगा। मैं इसी मुद्दे पर आज चर्चा करूंगा। आज की डिबेट बहुत ही अहम, बहुत ही मार्मिक होने वाली है, बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। लेकिन डिबेट शुरू करने से पहले एक छोटा सा आंकड़ा भी आपके सामने पेश करूंगा कि उत्तर प्रदेश में 14.40 करोड़ वोटर है। 45% वोटर ऐसा है जो कि 18 से 40 साल तक का है। 2014 में 71 लाख नए वोटर जुड़े थे, जिसमें 18 वर्ष वाले 17 लाख थे और 29 साल के युवा करीब 27% थे। 2017 में 17 लाख नए मतदाता जुड़े, उसमें 12 लाख 18 वर्ष तक वाले और 75 लाख 21 साल तक वाले थे जो जुड़े थे। इसके अलावा 2022 का जो चुनाव है, उस चुनाव से पहले चुनाव आयोग एक लिस्टिंग कर रहा है, लिस्ट तैयार कर रहा है कि आखिर अब उत्तर प्रदेश में युवाओं की स्थिति क्या है, संख्या क्या है, और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2.5 से 3 करोड़ भी ये आंकड़ा जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस वक्त युवाओं की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। और ये युवा वो युवा है जिन्होंने 2002 में मुलायम सिंह को सत्ता में लाया था, उसके बाद 2007 में सपा से नाराज होकर मायावती को जिताया था। जब मायावती से नाराज हो गया ये युवा तो अखिलेश यादव पर इन्होंने भरोसा जताया 2012 में, और जब अखिलेश यादव से नाराजगी हुई तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में दे दी। ये युवा वो युवा है, ये युवा वो युवा है जो अपनी कई सारी समस्याओं को लेकर के सरकार के पास जाता है, उसको उम्मीद लगती है कि इस बार जब सत्ता परिवर्तन हुआ है तो उसकी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा, समस्याओं पर चर्चा हो जाएगी, चर्चाओं के साथ साथ कुछ रिजल्ट जरूर मिलेगा, कुछ परिणाम जरूर मिलेगा। लेकिन खाली हाथ ही एक लंबे समय से ये युवा अपने आप को देख रहा है, चाहे हम रोजगार की दृष्टि से देखें या फिर अन्य दृष्टि से देखें। बेहतर शिक्षा की बात करी जा सकती है, खेल के स्तर को सुधारने की बात करी जा सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की बात करी जा सकती है, स्कूलिंग की सुविधा को सही करने की बात करी जा सकती है। ये जो समस्याएं रही हैं युवाओं की, ये समस्याएं अभी तक उत्तर प्रदेश में बेहतर स्थिति में नहीं आ पाई है। इसको देखते हुए जो राजनीतिक दल है वो भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है और चुनाव में अगर ओबीसी, एससी, दलित, पिछड़ा, अगला इन वोट बैंकों को साधना है तो इन वोट बैंकों के साथ साथ युवाओं को साधना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि युवाओं की संख्या ज्यादा है। और इसी को देखते हुए जो राजनीतिक दल है उन्होंने भी अलग अलग संगठन बनाए हुए हैं अपने राजनीतिक दलों में, अपनी राजनीतिक पार्टियों में। चाहे बीजेपी की बात की जाए तो उनका युवा मोर्चा है, एबीवीपी है जो छात्रों का संगठन है, ये लगातार उत्तर प्रदेश में यूथ कनेक्ट का काम कर रहा है और इनका नारा है 1 मतदान 20 नौजवान। बड़ी संख्या में युवाओं को जोड़ने का काम बीजेपी के ये युवा नेता, ये युवा संगठन कर रहे हैं। इसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी भी अपने छात्र सभा, अपने युवा जनसभा का विस्तार कर रही है, संगठन का विस्तार कर रही है। और लगातार जिस तरह से अखिलेश यादव सड़क पर निकल रहे हैं तो आपने देखा होगा कि ये जो युवा है समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ, ये अखिलेश यादव से मिलने के लिए, अखिलेश यादव को देखने के लिए पहुंच रहा है। कांग्रेस का एनएसयूआई जो छात्र संगठन है वो उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा संगठित तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बीते दिनों जगह जगह पर मैराथन करवाई है और उस मैराथन में जिस तरह से लड़कियां, जो युवा लड़कियां हैं, युवतियां हैं, वो जिस तरह से जुड़ी हैं,
उससे साफ साबित होता है कि इस बार कांग्रेस भी युवाओं के साथ को अपने साथ लेने वाली है और इसको देखते हुए कई सारी घोषणाएं भी की गई हैं। और फिर बात करी जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी जगह बनाई है और जगह बनाने में सबसे अहम रोल रहा है किसी का, तो वो रहा है युवाओं का, क्योंकि युवा कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में बड़ी संख्या में है, चाहे वो हम प्रवक्ताओं की ही बात कर लें या फिर नेताओं की बात कर लें, आम आदमी पार्टी में युवाओं की संख्या ज्यादा है। तो ऐसे में लगभग सभी का फोकस युवाओं पर है और ये फोकस विस्तार और इसलिए हो रहा है क्योंकि युवा वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करवाना है। अब बात करते हैं कि इन युवाओं के लिए अब तक किया क्या गया है। देखिए, युवाओं के रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 3,000 करोड़ का जो बजट है वो अनुपूरक बजट पेश किया गया था, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मोबाइल टैबलेट अभी कुछ दिनों पहले राजधानी लखनऊ के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बांटा गया है कि जो शिक्षा का स्तर है उसे बेहतर किया जाए। मोबाइल टैबलेट से कितना होगा ये देखना अहम होगा। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने भी 10 लाख रोजगार देने की बात की है, शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाने की बात की, और अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने लैपटॉप भी दिया था छात्रों को, इससे फायदा भी हुआ था, घर घर तक लैपटॉप पहुंचने की योजना अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं कारगर करी थी, सिद्ध करवाई थी। बीएसपी की तरफ से भी रोजगार देने की बात युवाओं को कही गई है, और यह भी कहा है बसपा सुप्रीमो ने कि हम युवाओं के पलायन को रोकेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का युवा जब पढ़ लिख लेता है तो जब उसको रोजगार नहीं मिलता है तो वो दूसरे प्रदेशों की तरफ अपना रुख कर लेता है, तो बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि हम युवाओं के पलायन को रोकेंगे। और बात करेंगे कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने इस बार यह कहा है कि स्नातक पास बेटियों को स्कूटी दी जाएगी, और इसके अलावा आईआईटी एनआईटी मेडिकल लॉ की जो छात्राएं हैं उन्हें जोड़ने का काम लगातार संगठन में चल रहा है। ये तो बात हो गई राजनीतिक दलों की तरफ से, लेकिन इन युवाओं की समस्या क्या है? इन युवाओं को बेहतर शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, भर्ती जो अटकी है लंबे लंबे समय से वो भर्तियां पूरी कैसे होंगी इसका सवाल अभी भी अटका ही पड़ा है, भर्तियों के तरीके इसका जवाब चाहिए, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, स्वरोजगार के अवसर और कैसे उत्तर प्रदेश में खुले ये वो चाहता है, अगर वो बिजनेस करना चाहता है तो लोन कैसे उसे मिलेगा ये जानना चाहता है, स्किल डेवलपमेंट उसका कैसे होए, टेक्निकल एजुकेशन अपग्रेड कैसे होए उत्तर प्रदेश में, खेल के मैदान को और कैसे विस्तार दिया जाए, खेलों को और कैसे विस्तार दिया जाए, ये सारे सवाल उत्तर प्रदेश के युवाओं के हैं। आज हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अलग अलग वोट बैंक पर अलग अलग जातियों पर चर्चा करना अच्छी बात है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं और मूलभूत समस्याएं हैं उन पर चर्चा करना भी बहुत अहम है, और उन्हीं में से टकटकी लगाए बैठा युवा भी है उत्तर प्रदेश का जो अपना जवाब चाहता है। कुछ बयान सुनिए, उसके बाद मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं, और जुड़े रहिएगा क्योंकि आज का मुद्दा बहुत अहम मुद्दा है, आपसे और हमसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। देख लीजिए, जैसे पढ़ाई की नॉलेज में देख लीजिए सर, हर एक जगह घूस चल रही है, अच्छे लोग पास नहीं हो पा रहे, जो पास होके क्वालिफाइड होते हैं उनको आगे रोक दिया जाता है, जो भी जैसे आप देखेंगे कि हर जगह पैसे का मुद्दा हो रहा है, कहने को तो सरकार में स्ट्रिक दिखाया जाता है मगर कोई स्ट्रिक नहीं है। आप अच्छा ये रहते हैं कि सर जो है जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो भी जैसे भी हमारी ज़रूरत की हमें सही जो है नॉलेज दे, या जो भी हमें जो है सुविधाएं खाली बताए नहीं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ये हमें लड़ाए नहीं, बस खाली जो जो हमें ज़रूरत हो वो हमें जो है। हमारी अपेक्षा तो यही रहेगी कि सरकार जो मुद्दा अपना सामने लेके आती है कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन बढ़ रही है और एरिया वाइज सब डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है, तो उस हिसाब से कहते हैं सरकार को भी डेवलप होना चाहिए, ना कि ये पीछे की सोच लेके चले, ठीक है। आप जिसे समझ सकते हैं कि बहुत से स्टूडेंट वगैरह रहते हैं जो अपनी लाइफ बेटर जीना चाहते हैं, आगे कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको पीछे से घसीटा ना जाए, कहने का मतलब ये है कि जो पीछे से घसीट लेते हैं, कुछ लोग आते हैं बीच में, जैसे बोले तो पॉइंट में बीच में आ जाते हैं दलाल, ठीक है, तो वो जो है कुछ बंदों को कुछ चीज़ों को ऐसा दिखाते हैं कि वो पीछे हो जाते हैं, कि उनकी मेहनत उनकी सफलता जो करना चाहते हैं वो आगे नहीं दिखती है उनको,
ये सरकार को सोचना चाहिए इस बात पे कि स्टूडेंट अगर मेहनत कर रहा है, ग्रेजुएट है, तो उसके थ्रू उसके अकॉर्डिंग उसको क्या कहते हैं जॉब प्रोवाइड करे, ना कि उसको पीछे खींचे कि मान लीजिए एक कॉलेज का बंदा है तो वो उसको जॉब मतलब उस कॉलेज में उसकी पावर ज़्यादा है, कॉलेज की पावर ज़्यादा है तो स्टूडेंट के पास जॉब आ रही है, और कुछ कॉलेजों की पावर कम हो जाती है तो उस पर जॉब उनको नहीं मिल पाती है, तो उनको उस बराबर के लेवल पर सरकार लेके आए, क्योंकि सरकार अपने देश चला रही है, अपना देश चला रही है, और अपने सामने जो कहते हैं उनके यहाँ सब दिखते हैं स्टूडेंट वगैरह दिखते हैं अपने देश के स्टूडेंट हैं, तो अपने देश को बढ़ाने के लिए पहले अपने देश के बच्चों को उनके बारे में सोचे, और उसके बाद सरकार फिर दूसरे मुद्दे पर आए, क्योंकि जिस हिसाब से एरिया डेवलप हो रहा है उस हिसाब से स्टूडेंट अपना काम बहुत अच्छे से करना चाह रहा है जो कर नहीं पा रहा है। मैं युवा हूं और मैं अपने बहुत ही मित्रगणों के साथ में बैठता हूं, बहुत चर्चाएं होती हैं कि इस सरकार ने क्या किया, पिछली सरकार ने क्या किया, मगर जो युवाओं का मत है वो ये है कि इस बार अखिलेश भैया को ही मौका देना चाहिए। नहीं, युवा क्या सोचता है? युवा को आज की डेट में रोजगार चाहिए है, जैसे पिछली सरकार में अखिलेश जी ने लैपटॉप वितरण किया है और लोगों को सुविधाएं दी हैं, तो वो चीज़ें नहीं है। आज की डेट में जो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आज की डेट में जो एक कैटेगरी है जनरल ओबीसी और SC ST, आज की डेट में जनरल कोई बंदा है तो उसको अगर एक फॉर्म भरना है तो उसको देने पड़ते हैं 500 रुपये 1000 रुपये, ओबीसी का भी यही हाल है, 500 रुपये 1000 रुपये देने पड़ते हैं, जबकि SC ST में क्या है उसको बिना कोई पैसा दिए वो आसानी से फॉर्म भर सकता है। पुराने ज़माने में जो SC ST पे जो अत्याचार हुआ है उसका हम लोग खिलाफ़ हैं, मगर आज की डेट में जो युवा हैं जनरल हैं चाहे OBC, ऐसा सबके बाप अंबानी नहीं है कि वो 1000 रुपये फॉर्म भर सकें, तो सरकार को ये देखना चाहिए कि हर क्लास के लोग हैं आज की डेट में पढ़ना चाहते हैं, गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, उनको फॉर्म भरने हैं, बट इतने महंगे कॉस्टली फॉर्म हैं कि लोग प्रॉपर तरीके से अपना फॉर्म ही नहीं भर पाते हैं। तो एक सरकार से मेरा अनुरोध यही है कि अगर स्टूडेंट को आप कुछ बेनिफिट देना चाहते हैं तो जितने भी एग्जामिनेशन फॉर्म आते हैं गवर्नमेंट के उसमें सबसे ये अच्छा करें कि सब स्टूडेंट्स के लिए कैटेगरी बना दें, या फिर जिसका जो भी घर में उनकी आय का सबके पास डेटा रहता है तो उसकी आय के विभाजन के हिसाब से लोगों को फैसिलिटी दी जाए कि वो एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है वो उस तरीके से लोगों को आय के को देखते हुए उस तरीके से उसको बेनिफिट मिले, पहला। दूसरा, रोज़गार। आज की डेट में ऐसे रोज़गार की बात करें तो बहुत दिक्कत है, कोविड के बाद से बहुत से लोग आज की डेट में मेरे बहुत मित्रगण हैं जिनकी नौकरी छूट गई है, प्राइवेट सेक्टर में भी एक छोटी सी 10,000 की जॉब के लिए भी हज़ारों लोग कैंडिडेट आते हैं, उसमें से भी घूस चलती है, सोर्स चलता है, तो सरकार से एक और अनुरोध है कि रोज़गार के लिए भी कुछ ना कुछ बच्चों के लिए या स्टूडेंट्स या जो भी युवाओं हैं सबके लिए करें। देखिए, हम लोग का जो मेन वो है वो यही है कि सरकार अब जो भी आए, चाहे BJP आए या कांग्रेस आए या कोई भी आए, वो हम लोग को सबसे पहले रोज़गार का रोज़गार दिलाए यहाँ पे, क्योंकि लखनऊ में अगर आप देखेंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। हम लोग भी यहाँ पर कितने टाइम से काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, UP में ही हैं पिछले 8-10 सालों से मैं लखनऊ में, मगर यहाँ पर जॉब की कोई फैसिलिटीज़ नहीं रहती। लोग दिखाते हैं कि हाँ यहाँ पर फैक्ट्रीज इतनी सारी आ गई हैं, कंपनीज इतनी सारी हैं, मगर एक तो यूपी में अभी वर्क कल्चर वैसा नहीं है कि जहाँ पर हमें लगे कि नहीं हम लोग के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो बिल्कुल भी नहीं है यूपी में। हर बार हम लोग को ये लगता है कि नहीं इतनी सारी मतलब कंपनीज आ रही हैं तो पोजिशंस भी आएंगी, बट ऐसा होता नहीं है, सब इंटरनल सिर्फ दिखाने के लिए लगता है। तो मेरा तो मेन वही है कि यहाँ पर जॉब्स आनी चाहिए, जॉब्स बहुत सारी आनी चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को बाहर का मुँह ना देखना पड़े। देखिए, एम्प्लॉयमेंट एक तो होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट मस्ट है, बहुत मतलब पेपर्स में बहुत सारी आती हैं, पोजीशंस आती हैं, सारे मतलब बहुत सारी जगह पे आती है, गवर्नमेंट में आती है, प्राइवेट्स में आती है, बट कहीं पे ऐसा भी नहीं लगता है कि कहीं पे रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं, किसी को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बिकॉज एंड ऑफ द डे हर एम्प्लॉयमेंट के लिए आदमी आज भी भटक रहा है हर चीज़ों के लिए। हम लोग HR में हैं, हम लोग कॉल्स करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, बट उसमें यही सब आता है कि हम जॉब नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं आज की डेट में बट उनके पास सही एक जगह नहीं मिल रही जहां से वो अपना करियर जो है बिल्डअप कर सके। आने वाली सरकार से मेरी यही युवाओं के लिए अपेक्षा है कि वो मतलब युवाओं के लिए अच्छा करें, रोजगार के संसाधन बनाएं और मतलब जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा लाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं। इसके अलावा जो है जितने भी IT कंपनीज हैं, जो भी प्राइवेट हब्स हैं, उन्हें बढ़ाएं लखनऊ के अंदर, तो अपने स्टेट के अंदर, तो उससे युवाओं को रोज़गार का अवसर मिलेगा, अच्छा अवसर मिलेगा। और सर, जो अभी योगी जी की सरकार है, हालांकि जो है योगी ने काम कोई खास नहीं किया है, तो हम तो यही चाहते हैं आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार बने 2022 में,
सपोर्टर नहीं है, लेकिन उन्होंने युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है और वो खुद एक इंजीनियर हैं, तो वो हर पढ़े लिखे नौजवान की उस मतलब भाषाओं को समझते हैं, उनकी अंतरात्मा को समझते हैं। उनसे रोजगार के अलावा अपेक्षा ये रखते हैं कि मतलब जो है जो भी जैसे को मतलब घूसखोरी ना हो, इसके अलावा मतलब जो है चिकित्सा और सुविधाएं बेहतर हों और मतलब जो है ट्रांसपोर्टेशन बेहतर हो, यही हम अपेक्षा करते हैं जो आने वाली सरकार से। और जो अभी वर्तमान सरकार है उसने हालांकि कुछ खास नहीं किया है, तो इसलिए हमारी जो उम्मीदें हैं वो अखिलेश यादव जी पे ज़्यादा टिकी हुई हैं। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव है और इस चुनाव को देखते हुए जो युवा वोटर है वो सबसे अहम है उत्तर प्रदेश में, और इस युवा वोटर को लुभाने की जो कवायद है उस पर भी कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों का पूरा फोकस है। लेकिन ये फोकस कितना काम करेगा, क्योंकि युवाओं के लिए कहा यही जा रहा है कि ये युवा जब चाहता है तो अपने मुद्दे को लेकर के उत्तर प्रदेश में सरकारों को पलटना भी इसको पता है, और लगातार उत्तर प्रदेश में जो युवा वोटरों की संख्या है उस पर भी इजाफा होता आया है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और कुछ देर में हम मेहमानों को जोड़ते हैं और उसके बाद इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन सबसे अहम बात है कि उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर के चर्चा विचार विमर्श करना बहुत ज़रूरी है। जातिगत समीकरण पर विचार किया जा रहा है, जातिगत सम्मेलन किए जा रहे हैं, लेकिन उन सबके बीच में ये जो युवा वोटर है ये कहीं ना कहीं दब गया है, और इस युवा वोटर को कैसे लुभाना है ये राजनीतिक दल जानते हैं, लेकिन कब, ये सवाल सबसे अहम है। तो इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे भी आपका हम थोड़ी देर में तारुफ करवाते हैं। कई सारे प्रमुख मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में इन युवाओं की जो समस्याएं हैं, चाहे उसमें बेहतर शिक्षा की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए, कई सारी अटकी जो भर्तियां हैं उन पर भी एक लंबे समय से ये जो युवा है ये प्रदर्शन करते आ रहा, चाहे हम 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करें या इसके अलावा भी कई सारी प्रमुख भर्तियों की बात करें, वो एक लंबे समय से अटकी पड़ी हुई हैं और उनको लेकर भी जो युवा है वो लगातार सरकार से नाराज रहा है, सरकार से खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि कैसे इन समस्याओं का जो निराकरण है, इन समस्याओं का जो रास्ता है वो निकलता है, और इसी को देखते हुए आज की जो ये चर्चा, इस चर्चा को हम करेंगे। अब से थोड़ी देर में कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हम मेहमानों को अभी नहीं जोड़ पा रहे, लेकिन बहुत जल्द हम इस डिबेट को शुरू कर रहे हैं। और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम सबसे पहले उनसे आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ विनय पटेल हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा मयंक यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, शैलेश शुक्ला कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जगदीश राज समाज सेवी के रूप में जुड़े हुए हैं जो लगातार युवाओं के लिए काम करते आए हैं, और कुछ और मेहमान अब से थोड़ी देर में इस डिबेट को ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मैं जगदीश जी आप ही के पास आना चाहूंगा, क्योंकि युवाओं का मुद्दा है और युवाओं को लेकर लगातार आप काम करते आए हैं, लेकिन आज इस डिबेट का करने का मेरा मोटिव यही है कि युवाओं की समस्या जो है वो जन जन तक पहुंचे और उन समस्याओं का निराकरण हो, क्योंकि लंबे समय से चाहे भर्तियों के नाम पर, चाहे रोजगार के नाम पर, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, चाहे ऋण के नाम पर, कई सारी समस्याओं के नाम पर युवाओं को छला गया है। आपको क्या लगता है कि मौजूदा सरकार या उत्तर प्रदेश की कोई बीती सरकार युवाओं के हित के लिए ज्यादा बेहतर सोचती थी या और बेहतर सोचा जा सकता है? देखिए,
सबसे पहले हिंदू पर्सनल अवार्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश कुमार राज की ओर से जय श्री राम समस्त देशवासियों को, और प्राइम टीवी को भी बहुत बहुत बधाई है जो ये मुद्दा युवाओं के हित में उठाने का काम करा। आज आपने जैसे कहा कि आज तक की जो भी सरकार है या जो मौजूदा सरकार है या इससे पहले की सरकार है, सबको सब सरकारों ने जो है युवाओं को पिटवाने का काम किया। नौकरी की तो बात की बात है, सबसे पहले जो है धरना प्रदर्शन के नाम पे युवाओं को पिटवाने का काम किया। सरकार, लोग कहते हैं कि सरकार युवा बनाते हैं, मैं कहता हूं कि सरकार युवा नहीं बनाते, बुढ़े बनाते हैं, क्योंकि सरकार को चलाने का काम बूढ़े लोगों का है और पिटने का काम जो है युवाओं का है। अब सबसे बड़ी जो समस्या है रोजगार की है, तो कोई भी सरकार बनने से पहले या बनने के बाद सिर्फ लालच देती है, रोजगार देती ही नहीं है, वो रोजगार की बात ही नहीं करती। अब देखो, एक पार्टी है वो स्कूटी बंटवाने का काम करेगी कि सरकार बनेगी हम स्कूटी बंटवाएंगे, एक सरकार है कि भाई स्मार्टफोन लैपटॉप देंगे। अब युवाओं को कोई ये कह रहा है कि अगर जितने के लैपटॉप या स्कूटी बटेंगे उतने पैसे में तो कितनी फैक्ट्रियां लग जाएंगी। जब फैक्ट्री लगेंगी तो वही टेक्निकल एजुकेशन से निकले हुए स्टूडेंट होंगे या कोई और क्षेत्र से निकले हुए स्टूडेंट होंगे, तो उनको रोजगार मिलेगा। क्या स्कूटी चलाने से किसी का भविष्य बनेगा? क्या मोबाइल फोन चलाने से भविष्य बनेगा? क्या लैपटॉप चलाने से किसी का भविष्य बना? आप मुझे बताइएगा, आज तक किसी का नहीं बना। सिर्फ एक ये लालच। आपको लगता है कि ये सब चीजें आपको नहीं आपको ये लगता है चाहे सपा का लैपटॉप हो या मौजूदा सरकार का मोबाइल टैबलेट हो, ये युवाओं के लिए काम का नहीं है? सही बात है, काम का है ही नहीं। अच्छा, उन्हें पढ़ने की जरूरत है, लालच देने की जरूरत नहीं है। फिर पहले पढ़ेंगे अच्छे से, जब अच्छी एजुकेशन उनके पास होगी तभी तो अच्छी नौकरी ढूंढने के लिए कहाँ जाएंगे? ठीक है, जब इंडस्ट्रियल एरिया होगा, ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास, तभी तो नौकरी मिलेगी। ठीक है, मैं वापस आपके पास आता हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ वापस आपके पास। मयंक यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। मयंक, जैसा कि जगदीश समाज सेवी हैं और युवाओं के लिए काम भी करते आए हैं, उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि ये जो लैपटॉप मोबाइल टैबलेट मिल रहा है सिर्फ लालच है और इससे स्तर नहीं सुधर सकता है शिक्षा का, युवाओं का। आपको क्या लगता है कितनी सच्चाई इस बात में, और सबसे अहम बात कि समस्याएं क्या हैं युवाओं की उत्तर प्रदेश में और उन समस्याओं का निराकरण कैसे होगा? देखिए, मैं जगदीश जी की बात से असहमत हूं, क्योंकि जहां तक ये बात, देखिए इंटरप्ट नहीं करिए जगदीश जी, इंटरप्ट नहीं करिए, मैं आऊंगा, सुन लीजिए, देखिए डिबेट है, सुन लीजिए पहले क्या कह रहे हैं। जहां तक आप समाजवादी सरकार में बटे 20 लाख से ज्यादा लैपटॉपों का विरोध कर रहे हैं कि लैपटॉप नहीं दिया जाना चाहिए, और वहीं आपने बात फैक्ट्रियों की तो उसके लिए मैं अभी बोलता हूं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जो आप लैपटॉप पर सवाल उठा रहे थे, 20 लाख से ज्यादा लैपटॉप समाजवादी सरकार में बटे, और अभी तक हम लोग विपक्ष में रहने के बाद भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी लैपटॉप युवाओं को दे रहे हैं प्रोत्साहन के तौर पर। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी हम लोग कोरोना महामारी की वजह से 2 लॉकडाउन झेल चुके हैं, जिसमें बच्चों की पढ़ाई और युवाओं की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही थी। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए हर किसी के पास, हर बच्चा इतना सक्षम नहीं था कि वो बड़े स्मार्टफोन रख सके या लैपटॉप ले सके। माननीय अखिलेश यादव जी ने उसी पढ़ाई को पूरा करने के लिए, या आप ये कह सकते हैं कि वो जो युवा थे वो अपनी आगे की पढ़ाई या ऑनलाइन पढ़ाई लैपटॉप के द्वारा कर रहे थे। अच्छा, वो स्कूटी के लिए भी बोल रहे हैं कि स्कूटी मिल रहा है उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। देखिए, हर किसी के काम करने का और लुभाने का अपना तरीका है। हाँ। लेकिन वाकई जो चीजें युवाओं के लिए कारगर है उसमें लैपटॉप कारगर है। आज के टाइम पे जो युवा आईटी सेक्टर में जाना चाहता है या हायर एजुकेशन करना चाहता है, बीए बीएससी बीकॉम छोड़ के, आजकल तो बीए बीएससी बीकॉम की पढ़ाई भी नौजवान लैपटॉप से ही कर रहे हैं, क्योंकि आज पिछले 2 सालों से तो हमारी मजबूरी हो गई है कि क्लासें चलती नहीं है, दारू के ठेके सरकार खुलवा देती है लेकिन स्कूल कॉलेज नहीं खुलवाती है, तो ऑनलाइन पढ़ाई ही करनी पड़ रही है। तो ऑनलाइन पढ़ाई में लैपटॉप सबसे ज्यादा कारगर है। और तमाम ऐसे युवा, जगदीश जी आप युवाओं के लिए काम करते हैं, आप जाकर देखिए, तमाम ऐसे युवा आपको मिलेंगे जो लैपटॉप के माध्यम से अपने घर और परिवार का खर्च उठा रहे हैं। मैं एडवोकेट हूं और कलेक्ट्रेट में बैठता हूं, वहां पर एक मित्र है वो लैपटॉप के माध्यम से ही अपना वहां पे काम करता है, रजिस्ट्री टाइप करता है या जो भी जिसके एफिडेविट होते हैं वो टाइप करता है, वो उसका रोजगार है, उसको उसने रोजगार पाया उससे, उसने पहले उससे पढ़ाई की है।
तो मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से असहमत हूँ। ठीक है, तो ये लैपटॉप का विरोध करना जरूरी है आपकी एक विचारधारा का विरोध करें, लेकिन जो चीजें सही है उनका विरोध नहीं करना चाहिए। ठीक, जो आप बात कर रहे हैं कि फैक्ट्रियों की, देखिए फैक्ट्रियां लगना बहुत अच्छी चीज है और फैक्ट्रियां लगनी चाहिए। अखिलेश यादव जी ने जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का निर्माण करवाया वो सिर्फ चलने के लिए ही नहीं था कि उस पर गाड़ियां दौड़ाइए मोटर दौड़ाइए, सिर्फ चलने के लिए नहीं था, उसके किनारे किसान मंडियां बनाने की बात थी, फैक्ट्रियां बनाने की बात थी, और उसके किनारे जो अभी तक तो खैर सर्विस लेन ही कंप्लीट वहां की नहीं हो पाई क्योंकि सरकार बदल गई थी और इस सरकार ने तो वहां से लूट ढसोट कर अपना काम चलाने का काम किया है कि हमारा खर्चा चुनावी खर्चा निकला है। ठीक है, ठीक है, मैं आपकी बातों से सिर्फ इतना ही असहमत हूं कि आप लैपटॉप का पढ़ाई का, अगर आप लैपटॉप का विरोध कर रहे हैं, आप युवाओं की पढ़ाई का विरोध कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं के समाज सेवक हैं, करिए, लेकिन चीजों की ऐसी अच्छा तो मोबाइल और टैबलेट भी बताया क्या, उससे भी फायदा होगा? मोबाइल और टैबलेट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मोबाइल दिया गया है सबसे पहले तो उसकी प्राइवेसी नहीं है। अच्छा, तो भाजपा सरकार को तो अपना डेटा चाहिए कि मैं हम वो लोग युवाओं को कैसे लुभाए, और ज्यादातर फोन ओएलएक्स से बिकने के लिए आ गए, सुबह दिया गया और शाम को युवाओं ने डाल दिया, क्योंकि जो उन्होंने फोन दिया है वो फोन उनकी पढ़ाई के लिए कारगर नहीं होगा। और हाई स्कूल पास करने के बाद मेरे ख्याल से लगभग युवा स्मार्टफोन रखने लगते हैं क्योंकि स्मार्टफोन का जमाना है, तो इनको लैपटॉप देना चाहिए। तो पिछले 5 सालों से ये लोग कर क्या रहे थे? सिर्फ युवाओं के नाम पर अपना धन बढ़ाए थे, बजट पास हो जाता था, लेकिन बजट पास होने के बाद युवाओं को मिलता क्या था? उनकी शिक्षा आपने बर्बाद करके रख दी, बीजेपी ने शिक्षा बर्बाद की है। ठीक है, मैं हो गया। धनंजय शुक्ला हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं। धनंजय, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में युवाओं के बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है, जो कि शायद कोई भी राजनीतिक दल नहीं सोच रहा है, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि अभी हमारी डिबेट में समाज सेवी के रूप में जगदीश राज जुड़े हैं और उनका ये कहना है कि अगर मोबाइल टैबलेट के बजट से या मोबाइल टैबलेट के पैसे से या लैपटॉप के पैसे से या स्कूटी के पैसे से कर कारखाना खुलवा दिया जाता तो उससे ज्यादा बेहतर होता। आप कितना सहमत है इस बात से? देखिए नितिन जी, मैं बताना चाहूंगा अपने साथी जो आप जिनका भी आपने नाम बताया, मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जब से सरकार बनी हुई है, हमारे केंद्र में आदरणीय मोदी जी आए हुए हैं और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने, हमने सिर्फ युवाओं को ही लेके सारा काम किया है। अच्छा। और आज युवाओं के दम पे ही भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र में हो चाहे उत्तर प्रदेश सर पे हो, क्योंकि देखिये ये जैसे भी कह रहे थे लैपटॉप, पहली बात तो देखिए सरकार, अच्छा आपकी युवा वाली बात पे जैसे आपने बोला सब हंसने लग गए। देखिए वो हंस क्यों रहे, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, देखिए मैंने देखिए नितिन जी मैं यही बोलना चाहता हूँ ना कि देखिए वो यहाँ किस ले रहे हैं कि काम जो अच्छा, जो कोई काम अगर अच्छा हुआ रहता है तो लोग उसमें हंसते हैं। जो अभी हमारे साथी बता रहे थे कि आज टैबलेट मिला, इनको खुद ही नहीं पता है कि कौन से कंपनी का टैबलेट मिला है। मैं सुनिए, मैं ऑलरेडी खुद एक टैबलेट लेके रखा हूँ अपने पास, जिससे मैं डिबेट भी करता हूँ आपके चैनलों में कभी कभी। हाँ। तो इनको खुद ही नहीं पता कि कौन से कंपनी का टैबलेट मिला है, मगर हाँ जब इन जब इसके पहले जो भी सरकार रही है उन्होंने जो टैबलेट और लैपटॉप बांटा था वो आज की डेट में कूड़े के भाव बिक रहा है। वो ये तो हो गया आपकी इनके बातों का जवाब। अब आपने कहा था कि युवाओं के, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के लिए विभिन्न काम हमने किया, चाहे हमारे योगी जी देख लीजिए, आपने यहाँ मेडिकल कॉलेज ओपनिंग किया युवाओं के लिए, या और आपके केंद्र में देख लीजिए हमने युवाओं को जो रोजगार, जो स्वरोजगार से रोजगार दिया, मैंने स्किल इंडिया डेवलपमेंट के उनको मैंने तैयार किया। तो युवाओं के लिए अगर एक तरफ से अगर मैं लिस्ट अभी खोलना शुरू करूंगा तो 200 योजनाओं हमने किया है और आज उसी का वो पूरा जो भी हमारे युवा साथी भाई बंधु हैं उसका पूरा फायदा ले रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में मुझे लगता है कि युवा जितना संतुष्ट है उतना मुझे नहीं लगता कि और भी पिछले सरकार में संतुष्ट रहे होंगे। अच्छा, पिछली सरकारों में तो लैपटॉप बांटा था और अभी कांग्रेस जो है वो स्कूटी बांट रही है, इस पर आपका क्या कहना है? क्या इन चीजों को बांटने से युवा, ना सुनिए, क्या इन चीजों को बांटने से युवाओं की समस्याओं का हल हो सकता है? नहीं देखिए नितिन जी, कौन क्या बात रहा है वो तो उनका अपना अलग चीज है। देखिए अगर कांग्रेस अपना बात चाहिए तो अलग, देखिए मगर मेरा मानना है कि युवा जो होते हैं खुद समझदार होते हैं, वो खुद अपने में सक्षम होते हैं, उनको सब चीजें पता है क्या चीजें क्या नहीं है। कांग्रेस अपना पार्टी के बांटना देना है अलग विषय है, कोई अगर अपना दे रहा है देखिए स्वतंत्र भारत है, कोई कुछ भी मार सकता है, मगर राज्य सरकार को देखिए
भारतीय जनता पार्टी लगातार युवाओं के बारे में चिंता कर रही है। हम युवाओं से आज की डेट में देखा जाए, चाहे बजट ले लीजिए, चाहे जो भी ले लीजिए, हर जगह हमारे यहाँ देखा जाए, बिना जातिवाद भेदभाव के हम अभी भी सबसे ज्यादा युवाओं पर ही फोकस हमारी सरकार पूरा के पूरा दे रही है, जान लीजिए। ठीक है, बने रहिएगा सर हमारे साथ। शैलेश शुक्ला हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। शैलेश, आपने सुना अभी बीजेपी के धनंजय शुक्ला ने क्या कहा, और उसके अलावा समाज सेवी के रूप में जुड़े जगदीश राज ने क्या कहा। आपका क्या मत है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं की बात कब होगी, और उत्तर प्रदेश के युवाओं की प्रमुख समस्याएं क्या है, उन समस्याओं पर क्या मौजूदा सरकार ने या उत्तर प्रदेश में बीती सरकार ने फोकस किया था? देखिए, अभी मैं धनंजय जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि कौन क्या बांट रहा है मुझसे फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ तक सवाल था उनका, हमारे जो कांग्रेस पार्टी ने लगातार अभी जो कैंपेन चल रहा है स्कूटी बांटने का, या आगामी जब चुनाव में हम सरकार में आएंगे तो हमारी सरकार जो है लड़कियों को स्कूटी बांटेगी, तो उनका तंज था उस पर। मैं उनको बताना चाहूँगा कि आज उत्तर प्रदेश या देश में जहाँ भी भाजपा की सरकारें हैं, लड़कियों के साथ अत्याचार होता है, दुराचार होता है, और उन्हें कोई न्याय नहीं मिलता। कांग्रेस पार्टी अपने इस अभियान के जरिए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान के जरिए, एक भावना जागृत की है हमारे प्रदेश और देश की युवतियों में, छात्राओं में, लड़कियों में, कि हाँ, हम अगर हमारे साथ अन्याय होगा तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, सहन नहीं करेंगे, और अपनी लड़ाई हम खुद लड़ेंगे। इस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी स्नातक पास छात्राओं को स्कूटी देने का भी वादा कर रही है अगर हम सरकार में आते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे, पूरे प्रदेश में कई जनपदों में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मैराथन आयोजन किया जा रहा है। अभी कल ही लखनऊ में करीब 10,000 से ज़्यादा लड़कियाँ उस मैराथन में शामिल हुई। तो एक आम नारा, एक आम जो है भावना लड़कियों में जागृत हो रही है कि हाँ, हम अपने सवालों के लिए लड़ सकते हैं। दूसरी चीज, जैसे आपने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या किया या आगे क्या समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश या देश के नौजवानों की है तो वो रोजगार को लेकर के है। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान रोजगार की तलाश में है। उत्तर प्रदेश की जो भाजपा सरकार है, उन्होंने 2017 में चुनाव से पहले ये वायदा किया था, अपने घोषणा पत्र में ये दावा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 70 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन आज इनके विज्ञापनों को ही देख लिया जाए तो 4.5 लाख रोजगार देने का यह दावा करते हैं, किसको मिला है कोई नहीं जानता है। आजकल तो तमाम लोग जबरदस्ती पकड़ के लेखपाल भी बना दिए जाते हैं। जबरदस्ती किसी को लेखपाल बना दिया जा रहा है, किसी को क्या बना दिया जा रहा है, बाद में जब उसकी जांच पड़ताल होती है तो सब फर्जी निकलता है, तो किसको दिया गया कोई नहीं जानता है। 4.5 लाख रोजगार देना का यह खुद दावा करते हैं होर्डिंग और बैनरों के माध्यम से, विज्ञापनों के माध्यम से। मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ, किस पर ये अपने आप में गर्व महसूस करते हैं या शर्म महसूस करते हैं? 70 लाख का आपने वादा किया था और 4.5 लाख पर आप जो है छाती पीट रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? आप आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। ठीक है, विनय पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से। विनय भाई, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में खुद को स्थापित कर रही है और काफी हद तक आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में अपना दमखम दिखाया भी है, लेकिन युवाओं की समस्याओं को लेकर क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार या बीती सरकारों ने कोई काम किया? पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो लैपटॉप, ये मोबाइल, ये टैबलेट, ये स्कूटी, इनके वितरण से, इनके बांटने से क्या उत्तर प्रदेश के युवाओं की समस्याओं का हल हो सकता है, जिसमें रोजगार हो गया, जिसमें स्वरोजगार हो गया, जिसमें कई सारी समस्याएं हो गई? आपका क्या मत है? नीतीश जी, देखिए, सबसे पहले तो आज आपने उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की समस्या को आप अपने डिबेट के माध्यम से उठाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई जी। और जब भारतीय जनता पार्टी के लोग रोजगार की बात करते हैं तो मुझे दो लाइनें याद आती हैं जी, कि तेरे खत आज लतीफे की तरह लगते हैं, खूब हंसता हूं जहां लफ्जे वफा आती है जी। 20 साल से उत्तर प्रदेश के नौजवान सपा बसपा और कांग्रेस के किए गए वादों से ऊब कर 2017 में भारतीय जनता पार्टी के वादों पर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी के अपने कंधे पर बैठा कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई और भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया नौजवानों से कि हम आपको 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि गांव में जो प्राइमरी पाठशाला होता है उसमें जो रसोईया खाना बनाती है, पूरे उत्तर प्रदेश में 3,95,000 रसोईया हैं जिनको 1,500 रुपए मात्र हर महीने सैलरी दी जाती है। पिछले 8 महीने से इन रसोइयों को सैलरी नहीं दे पा रही है ये सरकार। अच्छा। और रोजगार की, और ये कहते हैं कि हम 4 लाख रोजगार दे दिए। आप जरा सोचिए,
जो सरकार अपने मंत्री के भाई को रोजगार नहीं दे पा रही है, अपने मंत्री के अपने शिक्षा मंत्री के भाई को रोजगार नहीं दे पा रही है, वो बेचारा ईडब्ल्यूएस कोटे से फर्जी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहा है, फिर बाद में उसे निकाल दिया जाता है, वो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को क्या रोजगार देंगे? अच्छा। इन्होंने 2011 के बीएड के अभ्यर्थियों को रोड पर पीटने का काम किया, इन्होंने दरोगा भर्ती के अभ्यर्थियों को पीटने का काम किया, इन्होंने शिक्षा मित्रों को पीटने का काम किया, इन्होंने आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के आशा बहुओं ने लखनऊ के सड़कों पर अपने सुहागन महिलाओं ने हमारी माताओं बहनों को अपना सर मुड़वा लेना पड़ा इसी सरकार में, और आप देख रहे हैं पिछले 6 महीने से किस प्रकार से 69,000 आरक्षण भर्ती में जो घोटाला हुआ उसके अभ्यर्थी आज 6 महीने से लगातार सड़कों पर संघर्ष किया जा रहा है, उन्हें मिल क्या रहा है? सिर्फ लाठियां। अभी पिछले दिनों सरकार का एक बयान आया कि आप 6,000 हम आपको दे देते, अरे आप हमें भीख दे रहे हैं, 6,000 ले लो, 4,000 ले लो, 8,000 ले लो, ये हमारा अधिकार है। ये मैं आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं कि आप बहुत विनम्र तरीके से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले 6 महीने से इस कड़कड़ाकी ठंड में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं, आप उनके साथ न्याय करने का काम करिए। और ये कहते हैं कि हमने रोजगार दिया, रोजगार नहीं दिया, सिर्फ इन्होंने 4.5 साल में पेपर आउट कराने का काम किया, पेपर आउट कराने का काम। दरोगा भर्ती आई, पेपर आउट हो गया, पीसीएल यूपी पीसीएल आया, पेपर आउट हो गया, नलकूप ऑपरेटर की भर्ती आई, पेपर आउट हो गया, टेट की भर्ती आई, पेपर आउट, टेट का एग्जाम हुआ, पेपर आउट हो गया, पेट का एग्जाम हुआ, पेपर आउट हो गया, बीएड का एग्जाम हुआ, पेपर आउट हो गया, यूपी पीसीएस का पेपर आउट हो गया, एसएससी का पेपर आउट हो गया, कहां पेपर हो रहे हैं बताइए, नौकरियां कहां इन्होंने दी? अच्छा, तो इन्होंने सिर्फ 4.5 साल में उत्तर प्रदेश के नौजवानों को गुमराह करने का काम किया है। और जहां तक रही लैपटॉप स्कूटी बांटने की बात, तो मैं अपने विरोधियों का भी, अगर वो अच्छे काम किए रहते हैं तो उसकी मैं सराहना करता हूं। आज आपके मैं चैनल के माध्यम से, मैं समाजवादी पार्टी की सरकार में जो 20 लाख नौजवानों को लैपटॉप बटा था, मैं उस कार्य की प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि आज मैं अपने गाँव जाता हूँ तो मैं देखता हूँ 10 नौजवान लैपटॉप लेके तो मोबाइल टैबलेट लेकर भी घूमेंगे सर, बैठे रहते हैं। सुनिए, आज के 3 महीने पहले सरकार के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को अब लैपटॉप वितरित किया जाएगा, और डिग्री कॉलेजों में एडमिशन कराने वाले बच्चों ने फॉर्म भर दिया कि हमें लैपटॉप मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा। पिछले 1 हफ्ते पहले लखनऊ में बुलाकर उनको मोबाइल फोन और टैबलेट पकड़ा दिया गया, मतलब गंगा नदी को बताकर उनको कुदा देने का। लैपटॉप बताया गया था क्या? लैपटॉप बताने का इन्होंने वादा किया था। अच्छा। और अब टैबलेट और मोबाइल फोन बंटवा रहे हैं। हाँ। गंगा नदी बोलकर नाले में कुदा दिया। अच्छा। तो साहब आप परेशान ना रहिए, 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के नौजवान आपको लखनऊ से कमंडल लेके गोरखपुर भेजने का काम करेंगे। ठीक है, धनंजय जी कुछ कह रहे थे बहुत देर से, आप बताइए। मैं देखिए नितिन जी, मैं बताना चाहूंगा जी, जो हमारे पटेल जी बोल रहे हैं, पहली बात देखिए हमारी सरकार में सबसे बड़ी चीज है जो बिचौलिए हैं दूर हुए हैं। हाँ। जो फर्जीवाड़ा हो रहा था वो दूर हुआ है। पहले क्या था, एक नौकरी के नाम पे 100 लोग फार्म भरते थे, अब वो चीजें बंद हुआ। धनंजय जी, अभी 15 दिन पहले, 15 दिन भी नहीं हुआ, 28 तारीख को टेट का पेपर हुआ, 28 लाख अभ्यर्थी उसमें शामिल हुए, और वो पेपर लीक हो गया। जब उसकी जांच हुआ तो पता चला बिहार के भारतीय जनता पार्टी के विधायक का भाई निकला पेपर आउट कराने वाले, और आप कह रहे हैं दूर हो गए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक का भाई निकला टेट का पेपर आउट कराने वाला, और आप कह रहे हैं बिचौलिए दूर हो गए। अरे मतलब इतने बड़े आप एक चैनल पे बैठ के इतना बड़ा झूठ ना बोलिए धनंजय जी, इतना बड़ा झूठ ना बोलिए प्लीज। वो किया था, किया है, और बाकी इनको कोई बता के उन्होंने नहीं कहा था कि अब इनके सरकार जब क्या, जब मेनो पिच तो बन रहे थे तो क्या वहां बैठे थे क्या? जो हमारी सरकार ने कहा उससे हमने करके दिखाया। नहीं, ये कह रहे हैं, ये धनंजय ये कह रहे हैं कि लैपटॉप बोल के बुलाया गया था, मोबाइल टैबलेट थमा दिया गया। ये जो 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 आपके जो महोदय जी कह रहे हैं
क्या क्या ये वहाँ पे थे क्या है? इनके पास कहीं लिखित है प्रमाणित है? नितिन जी अभी निशान पार्टी की एक रैली थी एक हफ्ते पहले और आपने कई वीडियो देखा होगा कि उनको बुलाया गया था कि आपको आरक्षण दिया जाएगा और वो क्या क्या कहते हुए इनको गए हैं देश के गृह मंत्री को इनको बताइए ना आप इनको बताइए अभी एक हफ्ते पहले की बात है वो तो आपने भी चलाया था उस वीडियो को जो लोग कह रहे हैं मुझे आरक्षण के नाम पर बुला कर धोखा दिया गया मेरे साथ जो हमने चटलक बेटा दिया है उसमें कोई हमने फोटो नहीं लगाया ये तो पत्ने जब इन्होंने बता दीजिए अपनी सरकार के जो युवाओं के लिए किए हो सिर्फ पांच काम धनंजय सिंह पांच काम बता दीजिए आपने जो युवाओं के लिए किए हो लाठी मारना छोड़ के कोई अन्य काम बताइएगा जो आपकी सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों पर लाठियां चलाई है हर लगभग हर हफ्ते लाठियां आप लोग चलाते हैं उनको छोड़कर कोई पांच काम बताइए युवाओं के लिए आपने पांच काम क्या किया है कि हमारी सरकार कभी किसी के ये आपके सरकार के टाइम पे जरूर हुआ होगा हमारी सरकार ने कभी किसी युवाओं पर लाठी नहीं चलाया है क्या बात करते हैं भाई साहब डेली प्यार से बता सकते अभी भाई भाई साहब हर हफ्ते लाठी आप लोग चलवाते हो अभ्यर्थियों पर कहां है आप लोग आप तो इन्हें बताइए आप अपने कहां करते हैं भाई साहब बात सुनेंगे नहीं क्योंकि हम लोग विरोधी पार्टी से हैं अभी आप तो ईमानदारी से बताइए पांच काम गिरा दीजिए भाई साहब पांच काम धनंजय जी पांच काम गिरा दीजिए धनंजय जी किसी और उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं शायद योगी जी का पांच काम गिरा दीजिए जो युवाओं के लिए किए सिर्फ पांच काम बहुत छोटी गिनती है बहुत छोटी गिनती है भाई साहब गिरा दीजिए मैं आपको दस काम जैसे सरकार बनेगी छह महीने बाद आदित्यनाथ जी का बयान आ गया उत्तर प्रदेश के नौजवान को नौकरी के जगदीश जी आऊंगा मैं आपके पास रुकिए नौजवान नौकरी के काबिल ही नहीं है ये बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का था असल में नौजवान उत्तर प्रदेश का इस बयान भूलेगा नहीं मुख्यमंत्री पद के लायक अनुपयोगी बिष्ट जी नहीं है अनुपयोगी बिष्ट जी मुख्यमंत्री पद के लायक नहीं है ये युवाओं का अपमान करते हैं जो बेटियां 69,000 शिक्षक भर्ती वाली है उनको किस तरह आप लोग मारते हैं शर्म नहीं आती बेटियों का अपमान करते हुए आप लोगों को और कल ही थ्री स्टार एक दरोगा ने एक नौजवान का गला बंद पकड़ के उठा दिया ये आप लोगों की सरकार ये आप लोग गुंडाई करते हैं भाई साहब इस तरह बोलने से कुछ नहीं होगा पांच काम गिरा दीजिए सिर्फ पांच काम अगर जानकारी हो पांच काम गिरा दीजिए पांच काम सिर्फ बोल रहा हूँ पांच काम जो युवाओं के लिए आपकी सरकार ने किए हैं सुनिए ना पहले सुनिए सबसे पहले ले लीजिए अभी हमें अभ्युदय योजना के तहत मैंने जो है युवाओं को जो है 10,000 से ऊपर हमने टैबलेट बांटा लगातार हर मंडलों में हम कोचिंग उनको ट्यूशन कोचिंग युवाओं को फ्री में पढ़वा रहे हैं करीब 7 लाख ज्यादा युवा पढ़ रहे हैं दो हो गया तीसरा भी हमने मेडिकल कॉलेज स्कूल तक खुलवाते हैं युवाओं को जो है उनको हमने स्वावलंबी के तहत हमने स्वरोजगार उनको दिया पांचवा आप क्या कह रहे मैंने 5.5 लाख जब उनको वैकेंसी दिया और आप सुन लीजिए 3.5 लाख से ज्यादा हमने संविदा दिया छठवा हो गया पॉइंट सातवां पॉइंट जो युवा बेचारे पढ़ लिख के घर में बैठे थे उनको हम जो है अभ्युदय योजना के तहत और स्वरोजगार की योजना उन्हें फ्री में लोन सरकार दे रही अपने पैरों पे खड़ा कर रही है भाई साहब आप लोग ऐसा लेखपाल बना देते हैं कि वो चले जाते हैं नेपाल आपके लेखपाल नेपाल में नौकरी कर रहे हैं भाई साहब इतना झूठ बोलने से नहीं चलेगा इतना झूठ बोलने से नहीं चलेगा आप किस तरह की बात युवाओं को लाठियां मारना बंद करिए ये युवा बहुत गुस्से में है युवाओं ने इंकलाब कर दिया है अखिलेश यादव जी की रैलियों में जनसभा में विजय रथ यात्रा में आप देख रहे होंगे किस तरह नौजवान वहां पर उमड़ रहा है क्योंकि नौजवान को उम्मीद सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी से अखिलेश यादव जी ने रोजगार देकर वो करके दिखाया 20 लाख लैपटॉप देकर करके दिखाया है आपकी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है पहले की देश में यही युवा बेचारे रात में निकलते थे उनकी गाड़ियां जो छीन लेते थे लोग रात में गुंडे मोहाली खड़े होके आज की डेट में आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दलित युवक को बांध कर मारा है आपकी पार्टी के नौजवानों ने मारा है सबसे बड़ा माफिया तो अजय सिद्धेनी का वो बेटा है जिसने किसानों को रौंद दिया चलिए एक एक करके बोलिए प्लीज एक एक करके बोलिए हाँ क्या कह रहे थे शैलेश टेनी को क्यों नहीं बता दिया हाँ मुद्दे में बात करिए देखिए जगदीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं जगदीश भाई क्या कहना चाह रहे हैं नहीं नहीं धनंजय भाई आ रहा हूँ धनंजय भाई जगदीश जी की सुनिए फिर मैं डिबेट भी पूरी नहीं होगी हाँ जगदीश जी बताइए क्या कह रहे हैं
देखिए मैं इनसे विनय पटेल जी से कहना चाहता हूँ कि मफलर वाले भैया क्या करेंगे यूपी में आके, अगर सरकार बनाएंगे तो क्या मोहल्ला क्लिनिक करेंगे, तो कुत्ते इलाज कराने के लिए आएंगे क्या? क्योंकि दिल्ली में भी कुत्ते इलाज कराने के लिए आते हैं, क्योंकि डॉक्टर तो वहां बैठते नहीं। अब बात आती है महंग जी से, अगर मैं कहूँ तो महंग जी ने कहा कि 20 लाख लैपटॉप बंटवाए। अब महंग जी आप एक कैलकुलेशन करके बता दीजिए, 20 लाख के 20 लाख लैपटॉप को 20,000 से गुणा करके बता दीजिए कितने के हो रहे हैं, और कितने का हो रहा है तो कितनी फैक्ट्रियां खुलेंगे और कितने लोग काम करेंगे। अब शैलेश जी से मैं शैलेश शुक्ला जी से कहना चाहता हूँ, आपकी कांग्रेस सरकार ने क्या किया ऐसा कोई काम बता दीजिए। अब बात प्रवक्ता जी के बीजेपी की बात आ रही है, तो अभी तक लाठियां चार्ज हुई, युवा पिटे, बुड्ढे जीत गए, ठीक है, कितनों को धनंजय शुक्ला जी नौकरी दिलवाई अभी तक बताइए आप, कौन सी भर्ती अभी तक पूरी हुई है, सरकार नई सरकार बनने को तैयार है, बताइए आप मुझे। आपने सुना नहीं लग रहा है, बीजेपी की मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं युवाओं को रोजगार की बात कर रहा हूँ। सरकार बुड्ढे चला रहे हैं, जवान तो कोई है, कोई नेता है बताइए, 30 साल का 35 साल का कोई नेता है? युवा जो देश के भविष्य के बारे में, युवाओं के भविष्य के बारे में सोचे, सब बुड्ढे हैं, जब तक बुड्ढे नहीं हो जाएगा युवा नहीं, तब तक उसको भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सोचते ही है भविष्य में युवाओं के बारे में। अब लैपटॉप की, स्कूटी की, टैबलेट की, मोबाइल फोन की अगर कितने लोगों का परिवार पलेगा भाई साहब, देने से उसका परिवार चल सकता है? आप बताइए, जगदीश जी सुन लीजिए, ठीक है जगदीश भाई जवाब लीजिए, जगदीश भाई जवाब लीजिए। हाँ मयंक बताइए, आ रहा हूँ जो आप बिल्कुल खुलेआम लैपटॉप का विरोध कर रहे हैं, लैपटॉप का विरोध कर रहे हैं, शिक्षा का विरोध कर रहे हैं, जवाब तो ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब लीजिए, जवाब लैपटॉप का विरोध कर शिक्षा का विरोध, क्योंकि पिछले 2 साल जगदीश भाई, जगदीश भाई जवाब लीजिए, जवाब कोरोना काल में आपने विजय कहा होगा नौजवानों ने, और जो हाई स्कूल के बच्चों ने लैपटॉप नहीं पढ़ाई की है, लैपटॉप बढ़ पाइए। देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं, नहीं सुन लीजिए पहली बात, ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो बटा है ये काम तो किया है, क्योंकि कोरोना में जो ऑनलाइन क्लासेस हुई है भाई, बच्चा आदमी इसी से पढ़ रहा था, चाहे मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो, ऑनलाइन क्लासेस इसी से करी, तो ये काम तो कर रहा है। विचारधारा से आते हैं, मूर्तियों से देश नहीं चलता है, मूर्तियां लगाने से प्रदेश आगे नहीं बढ़ा है भाई साहब, मूर्तियां लगाने से प्रदेश आगे नहीं बढ़ा है। क्या कह रहे हैं जगदीश भाई, जगदीश जी क्या कह रहे हैं? नायक भी इलेक्शन तो कर रहे हैं, बताइए क्या भविष्य की रेल नहीं लग रही है? मैं ये कह रहा हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस तो इसी से हुई है ना, जगदीश जी शिक्षा का विरोध करके कुछ कर नहीं पाएंगे, शिक्षा का विरोध मत करिए, आप शिक्षा का विरोध कर भाजपा का समर्थन कर रहे हैं, शिक्षा का विरोध मत करिए, समर्थन नहीं कर रहा भाजपा ने, आप शिक्षा का विरोध कर भाजपा का समर्थन कर रहे हैं, भाजपा ने, क्योंकि भाजपा भी यही चाहती है कि लोग पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे, भाजपा भी यही चाहती है कि लोग पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे, आप भी लैपटॉप का विरोध कर लोगों को पढ़ने नहीं देना चाहते और उसी पर ही काम कर रहे हैं आप भी, ठीक है, ठीक है, प्लीज धनंजय भाई आ रहा हूँ, धनंजय भाई आ रहा हूँ, धनंजय भाई आ रहा हूँ, जगदीश जी हो गया, जगदीश जी जवाब तो लीजिए सबका, एक एक करके, प्लीज हो गया एक एक करके सबका जवाब लेते हैं, शैलेश जल्दी से बोलिए फिर विनय के पास। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 32 साल से सरकार में नहीं है, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो हर जिले में औद्योगिक कारखाने खोले गए, जिससे हमारे क्षेत्र के नौजवानों को रोजगार मिला, आज उन रोजगार को पूर्ववर्ती सरकारों ने बंद करने का काम किया है, और आज सबसे ज्यादा भाजपा सरकार जो है हमारे उद्योगों और कारखानों को बंद करने का, फैक्ट्रियों का काम कर रही है, और लगातार फैक्ट्रियों को निजीकरण कर रही है, एक एक दो तीन जो उनके उद्योगपति मित्र हैं उनके हाथों में सारे रोजगार के जो अवसर दे दिए जा रहे हैं, फैक्ट्री कारखाने की सारी डीलरशिप उनको दी जा रही है। कांग्रेस की सरकार थी तो हर जिले में, हर जनपदवार, हर मंडलवार कारखाने, फैक्ट्री और औद्योगिक क्षेत्रों में तमाम तरह के कार्य किए गए, जिससे रोजगार युवाओं को मिला। आप ऐसा ना कीजिए कि कांग्रेस ने कुछ किया, 32 साल से हम सरकार में नहीं है, लेकिन इस बार हम युवाओं की आवाज को उठाते हुए, इस बार युवाओं की आवाज को से जनपद संघर्ष करते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सरकार आएगी तो जैसे कांग्रेस की सरकार ने पहले काम किया था फिर से पूरा वही काम हम लोग करने का काम करेंगे। ठीक है विनय पटेल क्या कह रहे थे भाई? सबसे पहले तो जगदीश राज जी से मैं कहना चाहूंगा कि आप समाज सेवी हटाकर भारतीय जनता पार्टी समाज सेवी आप लिख लीजिए अपने नाम के आगे। और दूसरी बात, मुझे आप पे हंसी आ रही है कि पता नहीं आपने देखा नहीं या सुना नहीं या जान और सुन के अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ,
अभी जब गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री के प्रिय मित्र मुद्दे आई है रोजगार की बात हो रही है गुजरात के दौरे पर जवाब दीजिए सर की क्या कह रहे हैं अरे जगदीश भाई धैर्य रखिए नहीं प्रधानमंत्री जी के दंगे की बात पूरा परिवार गुजरात दौरे पर आया था जब गुजरात तीनों से बैरिकेडिंग करा लिया दिखे ना सब्र रखिए इनकी आवाज धीमी करिए इनकी आवाज शांत रहिए थोड़ा सुन लीजिए उसके बाद आ रहा आप इनकी आवाज धीमी करिए हाँ बोलिए बोलिए बिना भाई जब आपके प्रिय मित्र मोदी जी मोदी प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रिय मित्र ट्रंप जी का पूरा परिवार गुजरात दौरे पर आया था और गुजरात की गंदगी को ढक दिया गया था दीवालों से उस वक्त दौरे के दौरान ट्रंप की बेटी ने यह नहीं कहा कि मुझे गुजरात के स्कूल और अस्पताल देखने हैं उसने कहा कि महाशय मुझे दिल्ली के स्कूल देखने हैं और वो दिल्ली के स्कूल देखकर गई और अमेरिका में उसकी सराहना की आप इस बात की जानकारी रखिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा जिस मोहल्ला क्लिनिक की वाही वाही पूरे विश्व में हो रही है आप कह रहे उस मोहल्ला क्लिनिक में कुल्ले कुत्ते बैठ रहे हैं आपने नहीं देखा क्रोना के बहुत सारी वीडियो वायरल हुई है दूसरे बैंक के समय पे काम से लेके बलिया तक लाश से गंगा नदी तक से निकल रहा है जगदीश जी के सामने बाहर आए नहीं मिले थी लाश जाने के लिए और उसे जमीन में दफन किया जा रहा था प्रयागराज में कुत्ते उस लाशों को नोच नोच के खा रहे थे ये चीज आपको दिखाई नहीं देती आप मफलर वाले कहते हैं आप बताइए दिल्ली में रोजगार कितना मिला आप रोजगार की बात कीजिएगा ठीक है इधर उधर कुछ भी कह सकते हैं आपके मोदी जी ने भी दिल्ली चुनाव के वक्त कहा था कि अब आपको या तो पाकिस्तान वाले चाहिए या तो हिंदुस्तान वाले चाहिए तो दिल्ली वालों ने बता दिया हम हिंदुस्तान को जिताएंगे पाकिस्तान को नहीं जिताएंगे तो पाकिस्तान आप लोग को चला जाना चाहिए था नजर में हिंदुस्तान पाकिस्तान समाज सेवी की पाकिस्तान में बांटने का काम कर रही है सरकार तो आप बराबर की बात कर रहे हैं आप एक पक्ष की बात ना करिए ठीक है ठीक है हिंदुस्तान पाकिस्तान ठीक है जगदीश भाई ठीक है ठीक है धनंजय जी शांत रहिए हो गई आप वाली शांत रहिए आप हां धनंजय भाई देखिए मैं बताना चाहूंगा कि जो भी हमारे प्रवक्ता महोदय या जो भी बैठे हुए हैं पंडित महोदय निराधार बातें कर रहे हैं मैं ये बताना चाहूंगा जब युवाओं के मुद्दों पर अगर आप आ रहे हैं तो युवाओं के लिए चाहे जो भी सरकार रही हो देखिए मगर भारतीय जनता पार्टी ने सदैव युवाओं के साथ रह के हमने हर तरह की युवाओं के लिए काम किया है जिस तरह की तरफ चाहे आज टैबलेट हो चाहे लैपटॉप हो जो चीजें जैसे जरूरत पड़ी है भारतीय जनता पार्टी सदैव युवाओं के साथ खड़े होकर लगातार काम कर रही है यही कारण है कि हमारे पास जो है उत्तर प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी में जो भी युवा है वो लगातार जुड़ रहे हैं और हमारी पार्टी धनंजय भाई आपके अनुवादों का क्या हुआ 70 लाख युवाओं को रोजगार देने की आपने बात की थी अपने घोषणा पत्र में आज 4.5 लाख पर ही आप छाती पीट रहे हैं केंद्र में जब मोदी जी आए तो कहा था कि 1,000-2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दूंगा आज आंकड़ा 14 करोड़ रोजगार देना चाहिए था नौजवानों को 14 करोड़ नौजवानों को रोजगार देना चाहिए था मोदी जी की सरकार में उतना हमने अरे भाई सुन लीजिए आप भी सुन लीजिए नौकरी दिया क्यों 70 लाख हमने कहीं जो हमने कहा नहीं था जो हमने कहा है उसको हमने पूरा करके कहा पूरा किया आप तो 4.5 लाख पे ही सीना ठोक रहे हैं भाई दिखा दीजिए आपने कहा हमने कहा था हमने जितना आपके घोषणा पत्र में 70 लाख रोजगार के देने की बात कही गई थी प्रधानमंत्री जी ने समोसा खा लिया है प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी युवाओं को नौकरी देंगे हमने 5 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी दिया भाई साहब आंकड़ा सही कर लीजिए आप सरकारी मिला धनंजय भाई अपने आंकड़े दुरुस्त कर लीजिए मोदी जी की गलत नीतियों की वजह से करीब 14 करोड़ रोजगार नौजवानों ने खोए देने की तो बात छोड़िए आपने छीने हैं नौजवानों से रोजगार कोई घबरा की सरकार का आंकड़ा है और सुनिए मैंने जातिवाद को देखते हुए मैंने नौकरियां नहीं दिया ये क्या बात कर रहे हैं भाई साहब जहाँ जातिवाद की बात हो रही है यहाँ बेरोजगारी हो रही है आप लोग आरक्षण के नाम पर 69,000 शिक्षक भर्ती रोक के बैठे हैं धनंजय जी करोगा भर्ती हो रहे थे यादव हो रहे थे भाजपा सरकार में 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण की वजह से ही रुकी है क्यों रुकी है भाई आप आरक्षण के नाम पर भर्ती क्यों रोक के रखे हैं निषाद पार्टी के सम्मेलन में निषाद पार्टी के नौजवानों ने
निषाद पार्टी और भाजपा का बहिष्कार इसलिए कर दिया क्योंकि आप लोगों ने आरक्षण के नाम पर उनके साथ भी छलावा किया। 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी अभी इनको नौकरी नहीं मिल पा रही है सिर्फ आरक्षण के नाम पर। आप लोग आपके मुख्यमंत्री जी जातिवादी है, आरक्षण विरोधी है। सबसे पहली बात, आप लोग रोजगार के नाम पर जो युवाओं के साथ छलावा कर रहे हैं और सिर्फ छलावा उन युवाओं के साथ कर रहे हैं जो आरक्षण के, सुनिए बात सुन लीजिए, आरक्षण से जो युवा रोजगार पा रहे हैं आप लोग उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? आप लाठियां चला रहे हैं, का हिसाब पे आप लाठियां चला रहे हैं, वो कई बार कर रहा है। ठीक है, प्लीज हो गया, आपकी पार्टी के विरुद्ध योगी आदित्यनाथ जी के विरुद्ध इनकलाब बोल दिया है। अब आपकी पार्टी सरकार में नहीं रहेगी, योगी आदित्यनाथ आप लोग तो छलावा कर रहे हैं युवाओं के साथ, आप लोग सरकार में नहीं रह पाएंगे। अरे पार्टी किसकी रहेगी, नहीं रहेगी सरकार, रोजगार की बात कौन करेगा, ये बताइएगा। सवाल मात्र पूछना चाहता हूं, एक दूसरे की कमियां तो बनाने लगे आप लोग प्रवक्ता जी से, कि आपने जो 70,00,000 नौकरी देने का वादा किया था और आप मात्र 4.5 लाख नौकरी दे पाए, जिसे आप स्वीकार भी कर रहे हैं कि आपने 4.5 लाख जोड़ के 6.5 बता रहे हैं करीब। नहीं चलिए मैं 6.5 मान लेता हूँ। क्या 2022 के अपने घोषणा पत्र में ये चीज लिखेंगे कि पिछली बार हमने आपसे 70,00,000 नौकरी देने का वादा किया था जो हम नहीं दे पाए, मात्र 6.5 ही दे पाए, इस बार हम आपको 63,00,000 देने का काम करेंगे। और दूसरी बात साढ़े छह लाख मान लेता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब तो चुनाव आ रहा है ना, अब क्यों झूठ बोल रहे हैं, अब तो सच बोल दो। बता रहे हैं वो 9 लाख दे दिया मैंने अभी। अरे 9 क्या अभी है, आप डिबेट बढ़ाते जाएंगे तो इनका बढ़ता जाएगा, ये कहेंगे अभी मैं 18 दे दिया, उसके बाद ये कहेंगे मैं खुद भी सरकारी नौकरी पा गया, वो बात अलग है। अभी हमारे जगदीश भाई ने कहा कि आपकी पार्टी क्या कर रही है, तो आने वाले 2 मई को लखनऊ के स्मृति उपवन में अरविंद केजरीवाल की रोजगार गारंटी नौकरी और 5,000 रुपया जब तक नौकरी नहीं तब तक बेरोजगारी भत्ता देने का अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी 2 मई को लखनऊ के स्मृति उपवन में आप भी आइए और 2 जनवरी चलो ठीक है, समय कम है जल्दी से मैं अपनी बात पूरी कीजिए। धनंजय जी पिछले घोषणा पत्र में आप लोगों ने समोसा खा लिया, जो नया घोषणा पत्र बनवाएंगे उसमें आप और आपकी पार्टी के कार्यकर्ता पकौड़ी तल के पकौड़ी बेचिएगा भाई साहब। अब इंकलाब हो चुका है, नौजवान आप लोगों को रुकने नहीं देगा, आपके झूठे वादे टिक नहीं पाएंगे। ठीक है, प्लीज हो गया समय कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रमुख मुद्दे पर जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव करीब है और चुनाव को देखते हुए जो युवा है उन्होंने भी कहीं ना कहीं मन बनाया हुआ है, कुछ उनकी भी समस्याएं थी और उन समस्याओं को देखते हुए लगातार उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर बदली है बीते चुनावों में, और इस बार भी कुछ ऐसा उनके दिमाग में जरूर चल रहा है। ये युवा जब भी चाहेगा उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल सकता है, और इसीलिए कहा जाता है कि संघर्षों के साय में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आज मैंने कोशिश की कि युवाओं की समस्याओं को समझा जाए और उसके निराकरण को लेकर के चर्चा करी जाए। आज की डिबेट में इतना ही, मुझे जन्मति नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।